आजकल बहुत ही तेजी गति में सभी मीडिया हाउस में जो विषय चर्चा में है उसी के ऊपर मेरा आज का बयान है, मेरा चिंता है और मेरा एकदम मन की दुख है और पार्टिक है इस विषय में, बहुत ही मन की दुख है उसका व्यक्त करने के लिए आया हूं। लगातार 13 मई से आज तक एक शब्द तक नहीं बोला चीफ मिनिस्टर केजरीवाल, उनके पार्टी के राज्यसभा महिला सदस्य उनके ऊपर जो हमला हुआ है उस विषय में, इट इज अनबिलीवेबल एंड अनएक्सेप्टेबल, ये मान्यता होना ही नहीं चाहिए। उन्हीं के पार्टी के राज्यसभा सदस्य महिला जो दिल्ली महिला आयोग के चीफ थे और महिला के विषय में इतनी सारे बातें करने वाले चीफ मिनिस्टर, आज तक उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोले और उनके ऊपर व्यक्तिगत में आरोप लगा। क्यों? इससे कोई और कंपैरिजन हो नहीं सकता। इधर महिला के ऊपर, उधर महिला के ऊपर नहीं भाई, कुछ और विषय इसके कंपैरिजन में नहीं जमता। सीएम के घर में जब सीएम खुद बैठे हुए हैं उनके अपने घर में और उनके राइट हैंड माना जाता है जो वैभव कुमार विभव कुमार है, वो जाकर के उनके पार्टी के एक महिला सदस्य को और राज्यसभा मेंबर को और कल परसों तक जो महिला आयोग के हेड थी वो महिला को, इसमें सिंबलिज्म भी देख लीजिए, महिला आयोग के प्रेसिडेंट आज राज्यसभा में बैठे हुए महिला सदस्य, उनको उन्हीं के अपने घर में, when he seated in his house, चल रही है उनको कुछ उसके बारे में चिंता नहीं है और उसके ऊपर बयान देने का भी आत्मविश्वास चिंता नहीं है। ऐसे सीएम केजरीवाल पूरे सामने आकर के क्षमा मांगना चाहिए और इसमें अगले ही दिन 14 मई को ही दूसरे राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जी ने आकर बोल रहे हैं, नहीं नहीं हम एक्शन लेंगे उनके ऊपर। कहां गया वो एक्शन? आज तक नहीं हुआ। और जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं रबिंग सॉल्ट ऑन द वुंड, मतलब आग में घी डालना, लखनऊ में उसी विभव कुमार के साथ, क्षमा करिए हिंदी में आई डोंट नो whether it is acceptable, मगर मैं जो मन में रख रही हूं उसे उसको हिंदी में कह रही हूं, अगर वो ठीक नहीं है तो बेशर्मी के साथ घूम रहे विभव कुमार के साथ। 13 को इंसिडेंट हो रही है, आप ही के घर में हो रही है, उसके बाद आप आपके एमपी के द्वारा बोला जा रहा है कि एक्शन होगा, मगर एक्शन नहीं हुआ, आप भी उसके ऊपर बयान नहीं दिए और ऊपर से मुनी वो अक्यूज के साथ आप आराम से घूम रहे हो, बेशर्मी का भी हद है भाई। और उधर जाकर बैठ करके प्रेस के सामने जब आप में से एक प्रश्न पूछ रहे हैं मेरे साथ, सीएम साहब इस महिला का विषय में आपका का क्या कहना है, दोबारा मैं बात उपयोग कर रही हूं सोच विचार करके, ये बेशर्मी और डर के मारे माइक को दूसरी ओर घुमा रही हूं। हम सीएम पद में है जी, अब तक एक सीएम उनके पार्टी में राज्यसभा में सदस्य और कल परसों तक जिनको वो नियुक्त करके बिठाया महिला आयोग में, उस महिला के खिलाफ उन्हें के अपने स्टाफ दुष्कर्म किए, उनके खिलाफ बयान नहीं दिया,
उनके खिलाफ कुछ बातें नहीं बोल रहे और उनके साथ लेकर के घूम रहे हो, और सामने माइक के रखते हुए प्रेस वार्ता के समय जवाब ना देते हुए वो माइक उस तरफ चली जा रही। महिला दिल्ली में पूरे के पूरे सामने आकर के ये प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं तो बात सच में बोल रही हूं, दिल्ली में जितने भी महिला है उनके मन में यही चल रही है कि ये सीएम क्या महिला को सुरक्षा देगा। उनके घर में महिला को पिटाया, उनके घर में जो राज्यसभा एमपी है उन्हीं को पिटा रहे, और प्रश्न अभी तक उनके दिमाग में चढ़ा नहीं है। और उसमें एक विषय जोड़ रही, पूरी जिम्मेदार सीएम है मगर फिर भी उस आप पार्टी के ऊपर एक विषय बोलना चाह रही, जिस पार्टी के एक वन एंड ओनली लीडर, क्योंकि वोटिंग लीडर सब तो भाग गए, अभी बचा हुआ सिर्फ अरविंद केजरीवाल है, और वो बचा हुआ अरविंद केजरीवाल महिला के खिलाफ है, महिला को पिटाई करने वाले नेता है, मगर उनके पार्टी का चरित्र देखिए। एक मिनट में मैं हाईलाइट कर रही हूं, इस विषय में सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हम सबका निशान होना चाहिए, क्योंकि मीडिया से मैं पूछ रही हूं क्या प्रश्न पूछेंगे नहीं, जिम्मेदार वो खड़े रखना नहीं है उनको, मगर उस पार्टी का देखिए हालात। मैं मेरे बगल में मुझे आज गर्व से कह रही हूं शाजिया हिलमी, वो जो आम आदमी पार्टी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके आए हुए महिला नेता है, उनका बयान भी है, उनके बयान से मैं शुरू कर रही हूं। क्या था उनका बयान? हर महिला नेता या पुरुष नेता भी सिंपली बाहर निकालेंगे नहीं, बाउंसर से पिटवाएंगे या पीआर से, उनके पीए से पिटवाएंगे, आदमी को जलील करके निकालेंगे, कोई सीधा रास्ता बाहर जाने के लिए नहीं है। और शरद चौहान जो एमएलए है, सोनी मिश्रा के सुसाइड के विषय में आरोपी है, वो भी वो आम आदमी पार्टी। सोमनाथ भारती जी जिनके पत्नी जब प्रेग्नेंट थी उनके पेट के ऊपर मार कर और उनके कुत्ते से अटैक करवा करके भेजने वाले आज कंटेस्ट कर रहे हैं एमपी। और मैं इसमें तुरंत मेरे मन में बात आ रही है, एक भी महिला कैंडिडेट नहीं दिया उस पार्टी ने दिल्ली में, मगर इंडी अलेक्स का अनफॉर्चुनेट हालात देखिए ना, श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आज वो सोमनाथ भारती का वोट देने के लिए हैं। महिला नेतृत्व कांग्रेस के इंडिया अलायंस के कोई भी एक नेता नहीं है दिल्ली में कंटेस्ट करने के लिए महिला, मगर वोट दे रहे हैं महिला को, उन्हीं के मिसेस को जो पिटाई करने वाले लोग, पिटाई करने वाले सोमनाथ भारती को आज है? उनका बदनसीबी देखिए, वोट उनको दे रहे हैं कांग्रेस वाले नेता गण परिवार। और तीसरी सोमनाथ भारती जी, दूसरा पत्नी को भी मारा, जर्नलिस्ट को भी मारा 2018 में, फिर अमानतुल्ला खान ओखला के एमएलए 2016 में जामिया नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत केस फाइल हुआ है सेक्सुअली हरासमेंट करने का आरोप के ऊपर। सो इस पार्टी में ऐसे ही चमत्कारी नेतृत्व है जो महिला के खिलाफ, महिला को फिजिकली अटैक करने वाला, जलील करने वाले। आप सोचे होंगे कि वो सब ऐसे पार्टी में आ गए, नेता अच्छा है, मगर नेता इतना अनबिलीवेबली उन्हीं के घर में एमपी साहिबा को, जो महिला आयोग में पूरे दुनिया के महिला के लिए काम करती थी, उनको भी अटैक करने वाले।
और एक और उदाहरण आम आदमी पार्टी के विषय में, पंजाब में एक यूट्यूब व्यक्ति कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कंपाउंड के सामने कुछ गलत काम महिला के खिलाफ जो हो रही है उसके ऊपर जब यूट्यूब में चलाए एक्शन जिनके ऊपर लेना उनके ऊपर ना लेते हुए वो यूट्यूबर के ऊपर आ रहे इस बात को आप कैसे बाहर डाला, उनके ऊपर एक्शन हो रही है पंजाब में। सो महिला के खिलाफ वाले इस पार्टी में जब भारतीय जनता पार्टी के विषय में एक मिनट में बोलना चाह रही हूं, नारी शक्ति बंधन अधिनियम जब नया पार्लियामेंट में फर्स्ट कानून पारित हुआ, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी ने क्या स्टेटमेंट दिया, महिला बेवकूफ बनाओ बिल, यही बोला था। आज महिला को बेवकूफ और जलील करने वाले कौन है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, और एक भी महिला को दिल्ली में कंटेस्ट करने के लिए मौका नहीं दिया आम आदमी पार्टी ने। हमारे पार्टी से दो है, बांसुरी स्वराज और कमलजीत सहरावत। सो ऐसे इस पार्टी का मैं एक विषय आपके सामने रख के मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट को बंद करता हूं।